हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की राइट अप्रोच, कि मतलब हमें एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हमारा टाइम जो है बच सके, विद इन फ्यू सेकेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे सॉल्व हो जाए। जैसे कि आपने मेरे रियल टाइम एग्जामिनेशन वाले वीडियो में देखा था कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन सॉल्व भी नहीं की थी और आंसर सीधा सीधा टिक कर दिए थे। उसके लिए आपको चाहिए होती है राइट अप्रोच, और जो अप्रोच मैंने ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, या फिर मैं कहूँ जिस टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही थी और आज तक जो मैंने सीखी है, वो आज आपको मैं डिलीवर करूँगी। तो ये जो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, एकदम ही बेस से बताऊंगी मैं आपको सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चंस पे ले जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट ओके? तो ये जो है आपके प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज प्रिलिम्स में हमारे पास 5 मार्क्स के एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो वो 5 नंबर क्यों ना पक्के किए जाए और विद इन लेस टाइम किए जाएँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरी सारी सेशंस की अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहती है। अगर कोई सेशन लेट भी होता है या फिर कोई सेशन प्री प्लान भी होता है कि मैंने इस टाइम कौन सा सेशन लेना, तो आपको वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं? हमें इतना पता है सिंपल सी भाषा में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स का रोल आता है। क्या आता है? 2 वेरिएबल्स का रोल आता है, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई की टर्म्स में हमें 2 इक्वेशंस दी गई होती हैं, 2 लाइंस दी गई होती हैं। उसमें हमने कंपेयर करना होता है कि एक्स बड़ा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, एक्स बराबर है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। इतना हमें सिंपल सी भाषा में पता है, इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेशन तो पूछने नहीं वाले हैं, आपने अगर करने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। डिफरेंट टाइप्स से मेरा क्या मतलब है कि आपके पास ऐसा भी आ सकता है 4x + 3y = 2, और यहाँ आ जाएगा 2x + 3y = 4। ऐसी इक्वेशंस भी आ सकती है जिसमें आपको दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करना होता है। ऐसी इक्वेशंस भी आ सकती है जहाँ पे आपके पास ऐसा आ जाए x² + यहाँ पे लिख लेते हैं 4y प्लस लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। ऐसी इक्वेशंस भी आ सकती हैं। सिमिलरली ऐसी वाई की इक्वेशंस भी आ सकती हैं। कैसी भी इक्वेशंस आपके पास आ सकती हैं, कुछ इस तरीके की भी आ सकती हैं, x = √196, y = √216 ले लो। इस टाइप के सिमिलर इक्वेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन अब इनको अप्रोच कैसे करना है? देखो, आपको ये पता है कि हमारे इक्वेशंस में यहाँ पे हमारे पास अगर इस टाइप की इक्वेशन आए तो कुछ ना कुछ हमारे पास साइंस होते हैं। कहीं पे प्लस लगा होता है, कहीं पे माइनस लगा होता है, कहीं पे दोनों में माइनस होता है। इस तरीके की इक्वेशंस हमारे पास आती हैं। सबसे पहले तो इस तरीके की इक्वेशंस को अप्रोच करना सीखो। जैसे मान लो यहाँ पे x² है, 4y है, 4 है। अगर किसी ना किसी इक्वेशन में दोनों में प्लस साइन है, क्या है? अगर इक्वेशन में प्लस साइन है तो उसका जो आंसर निकलेगा ना, उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो किस में होंगे? दोनों माइनस के फैक्टर्स होंगे, दोनों नेगेटिव फैक्टर्स होंगे। ये जो अप्रोच है ना, इसी अप्रोच से मैंने सॉल्व किए थे वो वाले क्वेश्चंस। तो ध्यान से सुनना, समझ ना भी आए तो आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। दो इक्वेशन में अगर यहाँ पे दोनों प्लस के साइन हो ना, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आते हैं नेगेटिव में आंसर आता है, मतलब आपके पास आंसर आएगा -2 -2, क्योंकि ये 2 और 2 बनेगा ना, तो आपके पास -2 -2 इस तरीके से आंसर आएगा। अगर आपके पास इक्वेशन में दोनों साइन नेगेटिव हो, मतलब यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव हो, x² - 4y - 4 = 0, तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर किस में आने वाला है? आपका आंसर आएगा प्लस और माइनस में, मतलब एक फैक्टर आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने इसमें लिखा था ना -2 और -2, तो एक फैक्टर आपका 2 आएगा, दूसरा फैक्टर आपका -2 आएगा इस हिसाब से।
अगली बात करते हैं, अगर आपकी इक्वेशन में पहला साइन प्लस हो और बाद वाला साइन माइनस हो, मतलब यहाँ पे प्लस हो पहला साइन, यहाँ पे माइनस हो, तो आपके जो फैक्टर्स निकलते हैं या फिर आपके जो आंसर्स निकलते हैं वो भी प्लस माइनस में होते हैं। उसका क्या मतलब कि हमारे पास जैसे ये आंसर आया ना, तो ये इस तरीके से आएगा, एक फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव का होगा, एक फैक्टर हमारे पास नेगेटिव का होगा। आगे देख लेते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए माइनस और प्लस, मतलब पहले आपके पास माइनस दिया जाए फिर आपके पास प्लस दिया जाए, तो आपके दोनों आंसर्स ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ये चीज आप समझ लो अच्छे से कि इक्वेशन में दोनों प्लस है तो आंसर दोनों नेगेटिव, दोनों माइनस है तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, और माइनस प्लस का है तो प्लस प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स हमें ऐड करने होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी फैक्टर्स हमें ऐड करने होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, और इसके फैक्टर्स भी हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। अब ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, इसको मैं अभी समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, यहाँ से देख लो, यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों फैक्टर्स आपके पास प्लस के आ गए, दोनों फैक्टर्स प्लस, दोनों साइंस प्लस के आ गए। यहां से आपको क्या देखना है, इसके आगे जो भी डिजिट है और ये, इसके आगे जो भी डिजिट है और ये, इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो वन अज्यूम कर लेना, फोर इंटू वन क्या होगा, फोर होगा। अब आपको इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन जो है फोर आए। क्या आए? एडिशन जो है वो फोर आए, मतलब पहले आपको दोनों के जो यहां पे डिजिट है और जो यहां पे, उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो बीच वाली डिजिट है उसको देखना है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं। मतलब जैसे कि फोर इंटू वन फोर आया था, समझ में आ गई? तो ये फोर, इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे ना उनका टोटल क्या होना चाहिए, फोर। मतलब इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे उनका टोटल क्या होना चाहिए, फोर। एक फैक्टर आपके पास आता है फोर वन जार फोर, एक आता है टू टू जार फोर, राइट। फोर और वन का एडिशन क्या होता है, फाइव, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। टू और टू का एडिशन क्या होता है, फोर, मतलब यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, टू और टू। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उन दोनों फैक्टर्स का एडिशन होना चाहिए ये सेंटर वाले डिजिट, समझ में आ गया आपको? तो इनके फैक्टर्स टू और टू बने, लेकिन साइन कौन से थे, प्लस प्लस के थे, तो आपका आंसर आएगा माइनस टू माइनस टू। आपका आंसर क्या आएगा, माइनस टू माइनस टू। अगर मैं इसकी बात करूं प्लस माइनस की, यहाँ पे आपको दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, फोर वन जार फोर, फोर के ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिसका एडिशन फोर आना चाहिए, टू और टू। आप लिखोगे इसका आंसर टू और टू है और दोनों ही आंसर मेरे पॉजिटिव के आएंगे, मतलब ये पॉजिटिव आंसर आएंगे, प्लस टू और प्लस टू। यहां तक क्लियर है सब? आगे देखो, यहां पे मैं अब देखना है इसका और इसका। सपोज आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ले लेते हैं सिक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस नहीं लेना ना, माइनस लेना, यहाँ पे ले लेते हैं फाइव वाई। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, सिक्स वन जर क्या हुआ, सिक्स हुआ। सिक्स के दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन फाइव होना चाहिए, जिनका डिफरेंस फाइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिनका डिफरेंस फाइव होना चाहिए। एक फैक्टर आपके पास बनता है टू थ्री जार सिक्स, एक बनता है सिक्स वन जार सिक्स। इनका डिफरेंस कितना होगा, वन होगा, नहीं एप्लीकेबल। इनका डिफरेंस कितना है, फाइव, मतलब यही आपके दो फैक्टर्स आएंगे, सिक्स और वन। क्या आएंगे, सिक्स और वन। अब इसका आंसर क्या है, एक फैक्टर आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, एक फैक्टर आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास आंसर होगा जो हमारी बड़ी डिजिट है, इन दोनों में से जो भी आपके पास बड़ा फैक्टर आता है उसके आगे आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। अब ऐसा क्यों हुआ? इस इक्वेशन को अगर मैं खोलूं तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना,
प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। प्लस सिक्स वाई माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस फाइव वाई चाहिए था, प्लस का फाइव चाहिए था, इसलिए प्लस का सिक्स माइनस वन करेंगे तभी प्लस का फाइव आएगा ना। यहाँ से आपने एक्स कॉमन लिया तो ये एक्स प्लस सिक्स हो गया, माइनस वाई लिया तो ये कितना हो गया, सॉरी माइनस वन लिया तो ये कितना हो गया, वाई प्लस सिक्स। तो एक फैक्टर आपके पास बना एक्स प्लस सिक्स, एक फैक्टर आपके आपके पास क्या बना, ये एक्स ही होगा, मैंने वाई ले लिया। एक फैक्टर आपके पास क्या होगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन, और दोनों फैक्टर्स किसके बराबर हैं, जीरो के। तो इसको अगर खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स और एक्स इक्वल्स टू वन, यही आएगा। और मैंने क्या लिखा है, यही लिखा है, हमने क्या किया, शॉर्टकट यूज किया है यहाँ पे। आपको पूरा खोल के नहीं देखना, आपको शॉर्टकट यूज करना है। जब भी आपके पास एक साइन, पहला साइन क्या हो, प्लस का हो, दूसरा साइन क्या हो, माइनस का हो, पहला साइन प्लस का हो, दूसरा साइन माइनस का हो, तो आपके पास फैक्टर्स आएंगे क्या, आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस के फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस के फैक्टर्स आएंगे। और आपको माइनस किसके आगे लगाना है, जो हमारी बड़ी डिजिट है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं किसके, सिक्स वन जार सिक्स के, जिनका डिफरेंस, जिनका डिफरेंस क्या हो, फाइव हो। सिक्स के दो फैक्टर्स बनते हैं फाइव, सिक्स और वन और टू और थ्री, इनका डिफरेंस वन, इनका डिफरेंस फाइव, मतलब डेफिनेटली सिक्स और वन इसका एक फैक्टर, दोनों फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर बना सिक्स, एक फैक्टर बना वन। जब आपके पास दोनों साइन यहाँ पे नेगेटिव होना, तो आपका जो यहाँ पे माइनस का फैक्टर बनेगा ना, ये वाला, वो कौन सा बनेगा, छोटी डिजिट का बनेगा। कौन सा बनेगा, छोटी डिजिट का बनेगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया, इसको भी मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको आप लिखोगे एक्स, वाई क्यों लिख रही हूँ मैं बार बार, एक्स, एक्स माइनस सिक्स प्लस वन, एक्स माइनस सिक्स, तो ये हो गया x प्लस वन एक फैक्टर बना, x माइनस सिक्स एक फैक्टर बना, तो x किसके बराबर आ गया, सिक्स के, और y किसके, एक और फैक्टर किसके बराबर हो गया, माइनस वन के। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास दोनों साइन नेगेटिव के हो, आपको सिक्स वन जार सिक्स, इसके दो फैक्टर्स देखने हैं, ऐसे दो नंबर्स जो आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो सिक्स आए, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो फाइव आए। क्या आए, फाइव आए। तो सिक्स और वन का डिफरेंस फाइव होता है, और आपने माइनस किसके आगे लगाना, जो आपकी छोटी डिजिट है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, आई होप आपको ये किसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। तो जो अभी हमने सीखा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशंस कैसी हो, पहली इक्वेशन देख लेते हैं, अगर दोनों ही साइन प्लस के हो तो आंसर हमारा किस में निकलेगा, माइनस माइनस में दोनों फैक्टर्स आएंगे, और इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ गया ऐड कैसे किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर दोनों साइन माइनस के हो तो हमारा आंसर प्लस और माइनस में आएगा, मतलब जो दो डिजिट्स आएंगी हमारे पास, जो दो नंबर्स आएंगे हमारे पास, वो किस में आएंगे हमारे पास, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, और इनका क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और इसमें हमने देखा था कि जो माइनस साइन आएगा वो किसके सामने आएगा, जो हमारी कौन सी डिजिट है, छोटी डिजिट है, मतलब विच डिजिट इज स्मॉल, द डिजिट विच इज स्मॉल, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन, या द डिजिट विच इज लेस देन द अदर, दूसरे से कम है उसके सामने क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। अगर हमारे पास प्लस और माइनस का आ जाता है तो हमारा आंसर भी प्लस और माइनस में आएगा। दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे, और हमारा जो नेगेटिव साइन है वो किसके सामने आएगा, जो डिजिट हमारी बड़ी है, बिग तो नहीं लिखेंगे, लार्ज लिखेंगे, या फिर जो किसी से ज्यादा है, जो डिजिट दूसरी डिजिट से ज्यादा है उसके सामने हम लोग माइनस का साइन लिखेंगे। लास्ट बचा है, अगर माइनस प्लस आ जाए तो आंसर हमारा दोनों पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे हम लोग। ऐड समझ में आ गया ना, यहाँ कैसे किया था, सिक्स वन जार सिक्स किया था, एक मिनट, यहाँ लिखा होगा ना मैंने, माइनस प्लस का ये लिखा हुआ ना, यहाँ पे फोर वन जार फोर किया था, फोर के दो फैक्टर ऐसे लिए थे जिनको ऐड करने पे हमारे पास फोर आए, इस तरीके से बोल रही हूँ।
तो ये अगर आप लोग ध्यान में रख लोगे ये चीज, तो आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं सीधा आपको लेके चलूंगी क्वेश्चंस पे, बिकॉज अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है। देखो ये हमारे पास लीनियर है, हमारे पास स्क्वायर टाइप नहीं है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन चेक करो, इधर माइनस का है इधर प्लस का है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए ना, तो हमें इसमें से एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ता है। देखो कैसे करेंगे, 7x-3y=13, 5x+4y=40। हम लोग एक वेरिएबल को माइनस तभी कर सकते हैं जब ऊपर में हमारे पास ये वेरिएबल प्लस में हो, नीचे में माइनस में हो, या फिर ऊपर में माइनस में हो, नीचे में प्लस में हो। इस तरीके से मैं आपको करके बताती हूँ। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वेरिएबल कैंसिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दोनों साइंस ऑपोजिट हैं, तो मैंने इसको चूज किया कि मेरे को वाई वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको वाई वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दो डिजिट का एलसीएम लेना पड़ेगा, या दोनों डिजिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। अगर मुझे 3y और 4y को सेम बनाना है, तो मेरे पास इनका एलसीएम क्या है, 12y है। मतलब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 12y आ जाएगा, यहाँ पे भी 12y आ जाएगा। डन। अब यहाँ पे अगर हमने इनको चेंज करना है, तो हमें पूरी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो आंसर सही में नहीं आएगा। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 28x-12y=13, 4 ज़ार 52। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 15x, ये कितना था, प्लस 12y=43 ज़ार 120। अब यहाँ पे देख लो, आपके पास ऑपोजिट साइन होने चाहिए कैंसिल करने के लिए वेरिएबल को। ऑपोजिट साइन है, दोनों चीजें सेम है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से आपके पास प्लस है, इधर से भी प्लस है, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 43x। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 172। कितना आ जाएगा, 172। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। 172 डिवाइडेड बाय 43 4 के बराबर होता है, एक्स बराबर आ गया 4 के। अब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 रख दोगे, आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 रखती हूँ, 7x-4-3y=13, 7 4 ज़ार 28 -3y=13। 28 को इधर ले जाओ, -3y किसके बराबर आ गया, 13 -28, और 3y किसके बराबर आ जाएगा, -28 + 13 कितना हो गया, -15। माइनस से माइनस साइन यहाँ से कैंसिल, वाई किसके बराबर आ गया, 5 के। समझ में आया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 4, वाई की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप साफ ही देखते बता दोगे कि मैम वाई जो है बड़ा है, एक्स जो है छोटा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक्स इज लेस देन वाई। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, एक्स इज लेस देन वाई। समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में आपको पता चल रहा है कि आपके पास दोनों ही साइन पॉजिटिव है, मतलब ऑपोजिट साइन नहीं है, जबकि हमें वेरिएबल कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइन चाहिए होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऑपोजिट बना लेंगे, देखना कैसे। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस लिख लो, लिख ली। अब चूज करो कि आपने कौन सा वेरिएबल कैंसिल करना है। 5 और 2 का एलसीएम लेना इजी है, या फिर 11 और 5 का एलसीएम लेना इजी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं 5 और 2 का एलसीएम लूंगी तो इजीली हो जाएगा, राइट। अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। मतलब इन दोनों डिजिट्स को मुझे 10 बनाना पड़ेगा। अब मैं 10 कैसे बनाऊंगी, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 बन जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 10 बन जाएगा। समझ में आ गई। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x+22y=18। अब देखो हमारे पास वेरिएबल कैंसिल करने के लिए क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइन नहीं दिख रहे। ऑपोजिट साइन कैसे बनाते हैं, ये जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना, इसमें आप लोग सारे के साइंस को, सारे के सारे साइंस को ऑपोजिट कर दो,
यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस बना दो, यहाँ पे प्लस था इसको माइनस बना दो, यहाँ पे प्लस था इसको माइनस बना दो। हम लोग ये चीज कर सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 25 माइनस 22 कितना आ गया 3y इक्वल्स टू 30 माइनस 18 कितना आ गया 12। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब इस 4 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं रखूंगी फर्स्ट इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी रखो आंसर सेम ही आएगा। y पे रखना है ना, मैंने x पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। तो 5 फोर जार 20, 2x इक्वल्स टू सॉरी प्लस 20 इक्वल्स टू 6। तो 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 20 कितना हो गया माइनस 14। इसको इधर लेके जाओगे साइन बदल जाएगा, x किसके बराबर आ गया 14 बाय 2 कितना आ गया माइनस 7। x बराबर आया माइनस 7 के, y बराबर आया किसके 4 के। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा। पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से। तो दैट मीन्स x इज लेस देन y, y बड़ा है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, x इज लेस देन y। आई होप आपको ये दोनों जो है इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो जो मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर्स वाली आती हैं, वही चीजें अब से शुरू होंगी, वही चीजें हम लोग देखेंगे कि हमें अपना आंसर कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले साइन चेक करो किसका है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके जो आंसर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। दोनों पॉजिटिव हो तो आपके आंसर्स क्या निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। सबसे पहले ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये जो दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, इनको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा, राइट। सबसे पहली इक्वेशन लो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको इसका प्रोडक्ट लेना है, 12 थ्री जार 36। अब आपको इसके ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं, दो नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 36 हो लेकिन एडिशन क्या हो, 13 हो। क्या हो, 13 हो। 36 में हमारे पास क्या क्या बनता है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं इनमें से जिनका जो एडिशन हो वो क्या हो, 13 हो। क्या 36 और 1 का 13 है, नहीं है। क्या 18 और 2 का है, नहीं है। क्या 12 और 3 का है, 15 है, नहीं है। क्या 9 और 4 का है, यस 9 और 4 का है। क्या 6 और 6 का है, नहीं है। मतलब हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, क्या आए, x इक्वल्स टू 4 और 9, x इक्वल्स टू 4 और 9। आंसर किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो x किसकी किसके बराबर हो गया, माइनस 4 और माइनस 9 के। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला है, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। 20 इंटू 1 कितना होगा, 20। 20 के ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई 20 हो और एडिशन कितना हो, 9 हो। 20 के फैक्टर्स निकालो, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 और कौन सा बन सकता है, यही बनेगा ना। तो ये फैक्टर्स हमारे पास इसके बन गए, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, क्या 20 और 1 का एडिशन 9 है, नहीं है। 10 और 2 का है, नहीं है। 4 और 5 का है, यस। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 5 के। किसके बराबर होगा, माइनस 4 और माइनस 5 के। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात देखो क्या है, ये जो हमारे पास x स्क्वायर के पहले जो डिजिट है और y स्क्वायर के पहले जो डिजिट है, इसको सेम होना चाहिए तभी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे भी 3y स्क्वायर लिखा होता ना, फिर तो हम इसको कंपेयर कर लेते सीधा ही, फिर इसको हम लोग सीधा कंपेयर करते। लेकिन अब यहाँ पे y स्क्वायर अकेला है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है ना, तो आपके सामने जो बड़ी डिजिट हो ना, मतलब जिसके सामने डिजिट लिखी हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के सामने लिखी है, वाई स्क्वायर के सामने नहीं लिखी, तो जिसके सामने नहीं लिखी ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं लिखी। अब इसका आंसर बदल के क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 और माइनस 15। अब आप कंपेयर कर लो कि आपके पास एक्स बड़ा है या फिर वाई बड़ा है, माइनस 4 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 15।
आपके पास इनमें से कौन से डिजिट्स बड़े हैं? देखो, अगर मैं माइनस फोर को देखूं तो हमारे पास माइनस ट्वेल्व छोटा है, माइनस फिफ्टीन छोटा है। अगर मैं इसको देखूं तो माइनस नाइन बड़ा है इन दोनों से। फिर मैं ट्वेल्व को देखूंगी तो ये बड़े हैं इनसे। फिर मैं फिफ्टीन को देखूंगी तो ये भी बड़े हैं। मतलब डेफिनेटली हमें पता चल गया कि एक्स किससे बड़ा है, वाई से बड़ा है। एक्स किससे बड़ा है, वाई से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेगेटिव साइन में क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा हो ना माइनस वन और माइनस ट्वेंटी, तो हम इसको बड़ा मानेंगे, इसको छोटा मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों अलग हैं, इसके सामने टू है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स हमें ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। साइन कौन से हैं? दोनों प्लस के हैं, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और हमें क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहले इसको देखो, 28 वन्स आर 28। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई तो 28 हो लेकिन एडिशन 11 हो। 28 के फैक्टर्स निकाल लो, 1 × 28, 2 × 14 और हो जाएगा 4 × 7। बस यही बनेंगे ना फैक्टर्स। हमें देखना है कि इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 11। इसका तो 29 हो रहा है, इसका 16 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 11। मतलब हमारे पास x के दोनों आंसर्स क्या आ गए? माइनस फोर और माइनस सेवन। समझ में आ गई। अब देखो, 2y² प्लस 13y प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। 20 × 2 कितना हो गया? 40। 40 के दो फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जिनका एडिशन 13 हो। 40 के फैक्टर्स देखो, 1 × 40, 2 × 20, 4 × 10, 5 × 8 और क्या बनेगा? 40 ना, 20 × 2, 10 × 4 हो गया, 8 × 5, बात तो एक ही है। हाँ, यही फैक्टर्स बनेंगे। तो अब देखो, इन दोनों का जो एडिशन हो 13 आए, इसका 41 आ रहा है, इसका 22 आ रहा है, इसका 14 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, दैट मीन्स y किसके बराबर हो जाएगा? -5 और -8। समझ में आ गया। अब y के सामने लिखा हुआ था ना 2, x के सामने कुछ भी नहीं था, तो x को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो x के आंसर्स क्या बन जाएंगे? -8 और -14। समझ में आ गया। तो x आ गया -8 -14, y आ गया -5 -8। तो यहाँ पे कौन किससे बड़ा है ये देख लो। अगर मैं -8 को देखूं तो ये छोटा है y से और बराबर है y के। एक केस में छोटा है, एक केस में बराबर है। इसको देखूं तो -14 y से छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। अब मैं इसको देखूं तो यहां से देखो, आप वैसे एक से भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्रॉस चेक करेंगे दोनों से। एक से चेक करके भी आंसर आपका निकल सकता है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि x बराबर भी है और छोटा भी है y से। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया आ गया। -5 को -8 से देखो, ये बड़ा है, -8 - 8 इक्वल है, मतलब y बड़ा है ना x से और y बराबर है x के, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आ जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे तो गायब हो गए ना, एक ऑप्शन ये ले लो, एक ऑप्शन ये ले लो, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू y। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे कौन सा साइन आया? नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर पॉजिटिव का। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन के साइन नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो हमारे आंसर्स किस में आएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव में। और जो दो डिजिट्स आएंगे, जो दो नंबर्स आएंगे, वो हमारे क्या होंगे? ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड होंगे। पहली इक्वेशन को ले लो, 5x² माइनस 87x प्लस 378 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 378 × 5 करना है। 378 × 5 के दो नंबर निकलने चाहिए जिसका प्लस क्या हो, जिसका एडिशन क्या हो, 87 हो। सबसे पहले तो ये देखो कि 378 जो है वो किसके टेबल में आ सकता है? ये बन सकता है 6 × 36 और 6 × 3 = 18, 63 बन सकता है, 7 × 9 = 18। तो मतलब 378 के अकेले के फैक्टर्स आ जाएंगे 6, 7, 9, 6 × 7 × 9 और यहाँ पे आपके पास है 5।
इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि काफी बड़ी डिजिट है ना, तो आप इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। अब आप देख लो, आपको दो नंबर देखने हैं जिनका एडिशन 87 हो। 6 5s are 30, 7 9s are 63, इनका एडिशन है? नहीं है, कोई बात नहीं। 7 6s are 42 और 9 5s are 45, इनका एडिशन 87 है? यस। तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 42 और 45। कौन कौन से आ गए? एक्स किसके बराबर आ गया? 42 के और 45 के। आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहने दिया। अगली क्वेश्चन क्या है? 3y² - 49y + 200 = 0। 200 × 3 कितना होता है? 600। 600 के आपको दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 49 हो। तो आपको भी ये पता है 600 किसके बराबर होता है? 24 25 के। अगर आप लोग कैलकुलेशंस करते रहते हो तो 24 × 25 हमारे पास 600 होता है, और इन दोनों का एडिशन भी क्या होता है? 49। दैट मीन्स वाई के फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे? 24 और 25, क्योंकि इनका एडिशन क्या होता है? 49। अब एक्स के आगे तो 5 था, वाई के आगे 3 था, दोनों डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? वाई के आगे 3 था तो एक्स को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, एक्स के आगे 5 था तो वाई को 5 से कर दो, मतलब ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक्स किसके बराबर आ गया? 210 के और 135 के। ये मैंने किससे कर दिया? 3 से करना था ना, सॉरी। एक्स किसके बराबर आ गया? 126 के और 135 के। और वाई किसके बराबर आ गया? 120 के और 125 के। तो अब देख लो इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर मैं 126 को देखूं तो एक केस में वाई से बड़ा है, दूसरे केस में भी वाई से बड़ा है। अगर मैं 135 को देखूं तो ये 120 से भी बड़ा और 125 से भी बड़ा है, मतलब डेफिनेटली एक्स किससे बड़ा है? वाई से बड़ा है। एक्स किससे बड़ा है? वाई से बड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स होंगे हमारे किस में निकलेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव में। और जो दो नंबर्स होंगे हमारे पास उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। 3x² - 20x + 33 = 0। 33 × 3 कितना होता है? 66 होता है। 66 के दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनका एडिशन क्या हो? एडिशन क्या हो? 20 हो। तो यहाँ पे आपके पास आ सकता है 11 × 6, क्या आ सकता है? 11 × 6 और क्या आ सकता है? और सॉरी, 99 आएगा ना, गलत हो गया ना। 11 × 9 और क्या आ सकता है? 3 × 33 और क्या आ सकता है? 1 × 99। बेसिकली मुझे यही दिख रहे हैं अभी तक, तो और भी हो सकते हैं बट एक बार इतना ही देख लेते हैं। 1 × 9 का एडिशन क्या कितना होता है? 100 गया। 33 और 3 का कितना होता है? 36, ये भी गया। 11 और 9 का कितना होता है? 20। मतलब हमें फैक्टर्स मिल गए x के, क्या हो गए? 11 और 9 हो गए। इसको देख लेते हैं। 2y² - 11y + 15 = 0। 15 × 2 = 30। 30 के फैक्टर्स दो ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो और एडिशन 11 हो। 30 का 1 × 30 होता है, 2 × 15 होता है, 3 × 10 होता है, 5 × 6 होता है, राइट? और जाता है क्या? और नहीं जाता। इसका एडिशन 31 गया, इसका एडिशन 17, ये भी गया, इसका एडिशन 13, ये भी गया, इसका एडिशन 11, ये पास हो गया। आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 6। पॉजिटिव आंसर्स रहेंगे तो पॉजिटिव ही रखें। x के आगे 3 है, y के आगे 2 है, दोनों डिफरेंट है। तो अगर x के आगे 3 है तो y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, y के आगे 2 है तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। x किसके बराबर आ गया? 22 और 18 के। और y किसके बराबर आ गया? 15 और 18 के। x की पहली डिजिट 15 से भी बड़ी है, 18 से भी बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। x की दूसरी डिजिट 15 से तो बड़ी है लेकिन इसके इक्वल है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x बड़ा भी है y से और x बराबर भी है y के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आ गया आपको इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देख लेते हैं। दोनों में साइन कौन से हैं? माइनस माइनस के। तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमेशा प्लस माइनस में, राइट? 10x² - x - 24 = 0। मतलब कितना आएगा? 240। 240 में हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो?
वन हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, वन हो। तो 240 में अगर आप दो फैक्टर्स देखोगे तो आप देख सकते हो 24 × 10 कर सकते हो इसको, 5 × 2 कर सकते हो इसको, 6 × 4 कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, 30 और 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 20 और 12 भी नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा और खोल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 15 आपके पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 240 होता है और सब्ट्रैक्शन कितना होता है, 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 16। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास दोनों साइंस नेगेटिव के हों तो आपके पास नेगेटिव साइन किसके पास लगता है, जो डिजिट हमारी छोटी हो। वाई स्क्वायर माइनस 2y = 0, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2y के। इसको इधर ले जाओ, वाई से वाई कैंसिल, वाई किसके बराबर आ गया, 2 के। एक्स हमारा आया -15 और 16, वाई बराबर आया 2 के। तो यहाँ से अगर देखो तो एक्स इससे छोटा है और ये एक्स इससे बड़ा है, मतलब एक्स एक केस में छोटा है वाई से, एक्स एक केस में बड़ा है वाई से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2401, 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 का। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49। जब भी स्क्वायर रूट में हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2401 लिखा होता तो आपका आंसर क्या आता, +-49। ओके, वाई का देख लेते हैं, 2y² - 9y + -56 = 0। हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में, और क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 56 × 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 112। हम इसको 56 × 2 ही लिखते हैं। इधर से खोलूंगी तो 7 और 8, इधर से 2। हमारा दो नंबर्स ऐसे आना चाहिए जिनका डिफरेंस क्या आए, 9 आए। तो यहाँ से देखो 14 और 8 का नहीं आएगा, 16 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है। मतलब एक फैक्टर आपका 16 आया, एक फैक्टर आपका 7 आया। दोनों साइंस नेगेटिव हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव साइन किसके आगे आएगा, जो हमारा कौन सा डिजिट है, छोटा डिजिट है। मतलब वाई किसके बराबर आ गया, 16 और -7 के। एक्स किसके बराबर था, 49 के। तो यहाँ से एक्स बड़ा है इससे, यहाँ से भी एक्स बड़ा है इससे, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो 2y था, ये x था, लेकिन हमें ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई करने होते हैं, ये उन्हीं इक्वेशंस में करने हैं जब इक्वेशन हमारी इस टाइप की हो, जब इक्वेशंस ऐसी हो, तब हम देखेंगे कि इन दोनों के सामने सेम है या नहीं है। इन इस टाइप के दो अलग अलग इक्वेशंस में नहीं होगा ऐसा। अब यहाँ पे साइन देखो कौन सा है, पॉजिटिव, ये कौन सा है, नेगेटिव, ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये कौन सा है, नेगेटिव, राइट। समझ में आ गया। जब भी आपके पास दोनों साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आपका आंसर भी किस में आता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। किस में आएगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। और जब भी आपके पास दोनों आंसर प्लस माइनस में आते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको आप गांठ बांध लो। जब भी आपके पास दोनों ही इक्वेशंस ऐसी हो प्लस माइनस की और आपका आंसर भी प्लस माइनस का होना, तो आपका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। इसको आप गांठ बांध लो। सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। 6x² + 9x - 15 = 0। 15 6 90, कितना होगा, 90। आपको ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका जो सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास क्या आए, 9 आए। 90 के 10 × 9 बनता है, 2 × 45 बनता है, 3 × 30, 15 × 6 बनता है। ये फैक्टर्स बनते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का 43, इन दोनों का 27, इन दोनों का 9। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे x के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 15 और 6। क्या आ जाएंगे, 15 और 6। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको नेगेटिव साइन किसके आगे लगाना है, जो बड़ी डिजिट हो। यहाँ पे देख लेते हैं, 10y² + 29 - 21 = 0। समझ में आ गई। 21 × 10, 210। दोनों फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जिनका जो सब्ट्रैक्शन हो वो कितना हो, 29 हो। यहां से देखो तो 7 × 3, यहां से देखो तो 5 × 2। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 14 और 15 का एडिशन होता 29 नहीं, यहाँ पे 35 और 6,
35 माइनस 6 कितना होता है 29। तो हमारे पास y के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 35 और 6। और माइनस साइन किसके सामने आएगा, जो हमारे पास बड़ी डिजिट होगी। ठीक है, अगर आप देखो 6 और 10 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ही देख लो इस इन दोनों में आपके पास, इसको कंपेयर करूं तो ये बड़ी है, इसको कंपेयर करूं तो ये बराबर है। क्या है, इसको कंपेयर करूं तो ये बड़ी है, ये सॉरी इसको कंपेयर इससे करूं तो ये बड़ी है और इससे छोटी है, इसको कंपेयर करूं तो बड़ी है और बराबर है। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा। दैट मीन्स आप यहाँ से इसको देख लो, आपके पास जैसे ही दोनों साइंस प्लस माइनस हो तो आपका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। इधर से भी प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी आप करके देख लेना, आपका होमवर्क है, आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा। आगे देख लो, एक आपके पास है माइनस प्लस, एक आपके पास है माइनस माइनस, तो इसके आंसर्स किस में आएंगे, माइनस प्लस का प्लस प्लस में आता है और माइनस माइनस का किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। किस में आता है, प्लस माइनस में। तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 5x² माइनस 29x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 36 इंटू 5 कितना होता है, 180। 180 में ऐसे आपको दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 180 हो और एडिशन कितना हो, 29 हो। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 10 इंटू 18 बनता है, और 2 से तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना। और मैं बोलूँ तो ये 3 इंटू कितना बनेगा, 60 बनेगा, या फिर 30 इंटू 6 भी बोल सकती हूँ मैं, राइट। इसको बाइफरकेट ही कर देते हैं ना 18 और 10 में, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये बन जाएगा 9 और 2, ये बन जाएगा 5 और 2। तो यहाँ से देखूँ तो 45 और 4 नहीं बनेगा, यहाँ से देखूँ तो 10 और 18 ऐड करना है ना, 10 और 18 तो 28 बनता, 29 नहीं बन रहा। दैट मीन्स कोई और लगाना पड़ेगा। 9 को भी मैंने 3 इंटू 3 में डाल दिया, 5 3s are 15, 3 2s are 6, 6 2s are 12, तो ये कितना हो जाएगा, 27। और देख लेते हैं, यहाँ से 5 into 2 10, into 2 20, और यहाँ से 9, तो आपके पास 20 और 9 बन रहा है। दैट मीन्स आपके पास x के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 20 और 9, दोनों पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव के रहने देना। 10y² माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो आंसर आपका किस में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। 27 इंटू 10 कितना हो जाता है, 270। इसको देखूँ तो 9 इंटू 3, इसको देखूँ तो 5 इंटू 2। इसके दो फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिनका आपके पास सब्ट्रैक्शन क्या हो, जिनका आपके पास सब्ट्रैक्शन क्या हो, यहाँ पे 3 हो। यहाँ से अगर देखूँ तो ये 15 और 18 बन रहे हैं, और 15 और 18 का डिविजन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 3 होता है। माइनस साइन किसके आगे लगाना है, दोनों साइन अगर आपके पास माइनस के हैं तो नेगेटिव साइन आप किसके आगे लगाओगे, जो छोटी डिजिट है, मतलब 15 के आगे। समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे तो 5 था, यहाँ पे 10 था, मतलब ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। 5 10 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो अगर आप x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे भी तो 10x² बन जाएगा ना, दोनों बराबर आ जाएंगे ना, 10 और 10। तो x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 40 और 18। कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये बड़ी है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये बड़ी है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो भी ये बड़ी है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये बराबर है। मतलब x बड़ी भी है और बराबर भी है किसके, y के। x बड़ी भी है और बराबर भी किसके है, y के। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आ गया। यहाँ पे देख लो, दोनों साइन पॉजिटिव है, मतलब आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे माइनस और प्लस है, मतलब आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। आपको भी पता है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से क्या होता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेस होता है।
अगर मैं आपको बोल दूं -3 और -2 लिखा है, इधर 2 और 2 लिखा है, तो आप बोलोगे कि मैम ये दोनों बड़ी हैं, ये दोनों छोटी हैं। तो सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, आपको जब पता ही चल रहा है कि नेगेटिव छोटा होता है तो एक्स डेफिनेटली छोटा हो गया ना वाई से। एक्स क्या हुआ, डेफिनेटली छोटा हो गया ना वाई से, तो सॉल्व करने की इसमें नीड ही क्या आपको। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देख लेते हैं। देखो आगे आपके पास क्या आया है, x किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ 2197। 2197 का क्यूब रूट क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, x की वैल्यू 13 के बराबर आ गई। अगली इक्वेशन देख लो, 2y² -54y +364 किसके बराबर है, 0 के। 364 इंटू 2, इनका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए, और माइनस और प्लस है, दोनों आंसर्स पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, और क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को ऐड करेंगे, तो दोनों ही डिजिट्स क्या होनी चाहिए, ऐड होके 54 बननी चाहिए। किससे जाएगा ये, अगर मैं देखूँ 4 × 91 और ये 2, 13 7 91 होता है। अब आपको दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनका एडिशन हो 54, तो यहाँ से 13 2 26 और यहाँ से 7 4 28, तो क्या इनका एडिशन 54 है, डेफिनेटली है, तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया, 28 और 26। y के आगे 2 था, x के आगे 1 था, x को क्या बनाना है, y के बराबर, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये छोटा है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये बराबर है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। क्या बन गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। समझ में आ गया? आगे देखो, x का पूछा है क्यूब रूट ऑफ 1728। 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का। x की वैल्यू 12 के बराबर आ गई। माइनस और प्लस, आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव, और फैक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो y² -20y +36 = 0। 36 1 36, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 36 हो और एडिशन क्या हो, 20 हो, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, इन दोनों का 37, इन दोनों का 20 सही बनाए, इन दोनों का 15, इन दोनों का 13, इन दोनों का 12 गलत हो गया। आपके पास y के कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 2 और 18। आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो, यहाँ पे दोनों के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 12 के। y की किसके बराबर आ गई, 2 और 18 के। इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये छोटा है, मतलब x एक केस में बड़ा आ रहा है और एक केस में छोटा आ रहा है, तो क्या आप इनके बीच का कोई भी रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हो, क्या आप इनके बीच का कोई भी रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते, मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या बन जाएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक केस में हमारे पास x बड़ा है और दूसरे केस में x छोटा है। समझ में आ गई इतनी बात, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, x² = 169। जब भी आपके पास x² में आए तो आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा, और जब भी रूट में आए तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, ये चीज देख लेना, थोड़ी ध्यान रख लेना। यही अगर जैसे x² है = 169, तो आपको पता है 13 का होता है ये, तो आप एक लिखोगे 13, एक लिखोगे -13। लेकिन अगर यही आ जाए ना x = √169, तो आप पॉजिटिव का ही लिखोगे, क्योंकि रूट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। x की वैल्यू क्या आ गई, -13 और 13। 2197 किसका क्यूब रूट होता है, 13 का। दोनों की आगे कुछ भी नहीं है, ये क्यूब रूट है, ठीक है, तो मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको इससे कंपेयर करें तो x छोटा है, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे करें तो x क्या है, बराबर है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ देख लो आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में, यहाँ पे भी प्लस माइनस में, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर है, प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालना चाहो तो भी इसका +5 और -5 बनेगा, इसका +9 और -9 बनेगा, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो छोटा बड़ा समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डन, आगे देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा गया है, रूट ऑफ 1225। 1225 का रूट क्या होता है, 45, 4900 का 70 = 0, और सॉरी 35 होगा ना, गलती से 45 लिख दिया,
इरेज ही कर देते हैं इसको। 1 to 2 5 किसका रूट होता है? 35 का। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 35x equals to -70, x equals to -2। डन। यहां से देख लो, 81 की पावर 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? किसी नंबर को अगर आप चार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मान लो अगर आपके पास 3 है तो 3 को चार बार मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 2 को चार बार मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये होता है। चार बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? 81। तो आपको भी पता है 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर रूट कर दो कितना आता है? 3। आप 1/4 को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे 81 है ना, पहले उसका स्क्वायर रूट ले लो कितना आएगा? 9। फिर उसका फिर से स्क्वायर रूट कर दो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे 81 मतलब 3y प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 343 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट होता है कितना होता है? 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3y इक्वल्स टू -7, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -7/3। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इसको मैं लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ? -2.1 और ये है -2। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन y। समझ में आ गई मेरी बात? इसको देख लेते हैं आप। x की पावर 7/5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाय y की पावर 3/5। यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, x की पावर 7/5 इंटू x की पावर 3/5 इक्वल्स टू 169 इंटू 9। जब भी आपके पास बेस सेम हो, पावर हो आपके पास और ये मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर्स हमारी ऐड होती हैं। बेस को रखो सेम, पावर्स को करो ऐड। 7/5 प्लस 3/5 कितना होता है? 10/5। और 10/5 हमारे पास क्या होता है? 2। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर किससे बराबर आ गया? 169 into 9। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ±39। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर आए तो आपकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा प्लस माइनस में ही आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई स्क्वायर -15 प्लस 54 इक्वल्स टू 0। 54 इंटू 1, दो फैक्टर्स ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 हो और एडिशन क्या हो? 15 हो। यहाँ से देखो, इसका हो सकता है 1 into 54, 2 into 27, 3 into 18, 6 into 9। इसका नहीं होगा, इसका 29 नहीं होगा, इसका 21 नहीं होगा, इसका डेफिनेटली 15 है। तो y के फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 6 और 9। y के फैक्टर्स आए 6 और 9, x के फैक्टर्स आए 39 और -39। तो आपको भी पता है, इसको इससे कंपेयर करूंगी तो ये बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। मतलब एक बार x छोटा आ रहा है, एक बार x बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर नहीं निकल सकता। योर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऐसी इक्वेशंस भी हमारे पास आती हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हमें टैकल कैसे करना है? देखो, जब भी आपके पास ऐसी रूट की इक्वेशंस आ जाए ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको और इसको आप लिख लोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस। इसका आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यही बताया था मैंने आपको। इसको क्या लिखोगे? 6। इसको क्या लिखोगे? √17। डिवाइड किससे करोगे? इससे जो x के आगे लिखा है, ठीक है। y का भी देख लेते हैं, क्या लिखोगे? 15 और √17। दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 15। मैंने आपको बोला था माइनस साइन किसके सामने आता है? जो दोनों में छोटा हो। छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? √17। तो आपके √17 के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। डिवाइड आप किससे करोगे? इससे। किससे करोगे? जो y के आगे है। तो आपका आंसर देखो यहाँ से क्या बनेगा। x किसके बराबर आ जाएगा? 2, √17/3। y किसके बराबर आ जाएगा? 3, −√17/5। किसके बराबर आ जाएगा? 3, −√17/5। समझ में आ गई इतनी बात? यहां से अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करूँ इससे तो छोटा है, इससे कंपेयर करूँ तो बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करूँ तो छोटा है, इससे कंपेयर करूँ तो बड़ा है। मतलब हमें यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? कैन नॉट बी
डिटरमाइंड। आपका आंसर क्या हो जाता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जितने भी इसके टाइप्स हो सकते थे, जितने मैं आपको समझा सकती थी, मैंने यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और इसी तरीके के सेशंस देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ बताना कि आपको और किस टॉपिक पे ऐसा सेशन चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सेशंस और आते रहेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।